तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। और ये आज हम एक और नई गाड़ी के साथ आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे नई नई गाड़ियों और ट्रैक्टर्स का रिव्यू करते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं ताकि आपको गाड़ी लेने या ट्रैक्टर्स लेने में कोई कठिनाई ना हो, और हम आपके जो सवाल हैं, जो क्वेरीज हैं, हम उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देते रहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की और माइलेज की। साथ में प्राइस आपको बताएंगे, लॉन्च डेट आपको बताएंगे और गाड़ी के फुल रिव्यू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप गाड़ी को सामने से देख ही रहे होंगे कि ये विटारा ब्रेजा का एक नया वर्जन आने वाला है। मारुति सुजुकी की जो विटारा ब्रेजा है उसने बहुत से अपग्रेड तो लाई थी, बट अब की जो अपग्रेड आने वाला है उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा अलग लुक दे दिया है। तो सामने से इस गाड़ी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्रोम का काम देखने को मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगी एंड प्रोजेक्टर फॉग लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको बम्पर में ब्लैक ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगी। और ये गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रही है और इसमें आपको सामने में एक बहुत ही अच्छा बैजिंग आपको मारुति सुजुकी का मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं साइड व्यू की, तो साइड व्यू में इसमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है एंड कर्वी लाइन आई है, तो ये गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। साथ में इसमें आपको साइड मिरर आपको मिल जाएगा जो कि फ्लोटिंग लैंप के साथ आपको मिलता है, और ये बहुत ही अच्छी साइड में देखने को लगती है। इसमें डुअल टोन कलर में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अलग लुक के साथ ये गाड़ी आपकी लॉन्च की गई। इस गाड़ी पे पूरा वर्क करा है कंपनी ने आपकी, इस गाड़ी को बहुत ही अलग वेरिएंट, अब बहुत ही अलग लुक के साथ मार्केट में लॉन्च करने वाली है। साथ ही दोस्तों गाड़ी को अगर साइड से देखने पर तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एंड बहुत ही ज़्यादा बल्कि गाड़ी लगती है। विटारा ब्रेजा जो पहले आती थी उससे उसके मुकाबले बहुत ही अच्छी गाड़ी देखने में लग रही है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके रियर व्यू की, तो रियर व्यू में देखने पर गाड़ी के जो टेल लैंप हैं वो बहुत ही ज़्यादा नए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको LED टेल लैंप मिलेंगे, नीचे आपको जो बम्पर मिलेगा वो ब्लैक कलर का बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको रियर पार्किंग सेंसर विद कैमरा आपको देखने को मिलेगा। रियर सेंसर के साथ आप दोस्तों ये गाड़ी आपको डुअल टोन कलर में भी आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी रूफ आपको कोई और कलर की देखने को मिल जाएगी। बट ये गाड़ी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अलग एंड न्यू लुक के साथ आपको गाड़ी ये मिलने वाली है। इसके जो फीचर्स हैं वो एडवांस फीचर हैं। विटारा की जो पहले गाड़ियाँ आती थी उसमें हल्का फुल्का अपग्रेड हो जाता था, बट अब की जो कंपनी ने अपग्रेड लाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपग्रेड लाई है। इसमें आपको सनरूफ भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है, और ये गाड़ी आपको 2-3 वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं इंटीरियर लुक की, तो इंटीरियर लुक में आपको जो मिलेगा वो आपको 10 इंच का टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले पर सपोर्ट करता आपको मिलेगा। साथ ही ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों में मिल जाएगी। तो आपको 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड GS6 इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करता है 104 की, और जो कि टॉर्क जनरेट करता है 138 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही दोस्तों ये गाड़ी आपको 2-व्हील ड्राइव एंड 4-व्हील ड्राइव दोनों में मिल जाएगी। जो 2-व्हील ड्राइव होगी वो 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगी, और जो ऑटोमेटिक होगी वो 18.7 किलोमीटर का आपको एवरेज देगी। साथ में ही आपको ये गाड़ी डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन एंड पेट्रोल हाइब्रिड इंजन तीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो बात करते हैं कि ये गाड़ी किन किन गाड़ियों को कंपटीशन देगी। तो ये गाड़ी आपकी महिंद्रा की XUV300, इको स्पोर्ट, रेनॉल्ट की टिगर जैसी गाड़ियों को तगड़ा कॉम्पटिशन देने वाली है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, हम नई वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपको कमेंट में जो भी पूछना हो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।